स्वागत है आपका मेरे चैनल आई एम शुभि मोहित में। आज मैं आपके साथ रिव्यू करने वाली हूँ VLCC का ये जो फेशियल किट है पूरा, इसका मैं रिव्यू करने वाली हूँ। और इसका मैं एक बार यूज़ कर चुकी हूँ। वैसे मैंने VLCC के और बार भी काफ़ी बार यूज़ किया है प्रोडक्ट, और ये फेशियल भी यूज़ किया है काफ़ी बार, लेकिन आज मैं इसका रिव्यू करने वाली हूँ। अभी इसमें चार चीज़ें हैं, एक ऑयल है, तो इसमें छः पाउच निकले थे, सब में छः पाउच थे। जैसे स्क्रब का 6 पाउच है, ऐसे सभी में 6 पाउच थे। तो एक एक मैंने एक यूज़ कर लिया है और ये 5 बचे हैं। अब इसमें से एक आज यूज़ हो जाएगा, तो वो मैं आपको इसका रिव्यू फिर बाद में बताऊँगी। और आप खुद ही देख सकते हैं कि ये कैसा है कैसा नहीं है। तो आप चाहें तो फिर लिंक आपको मैं दे दूँगी, आप वहाँ से बाय। फ्रेंड्स, आप जब भी फेशियल करें तो आप अपने फेस को अच्छे से वॉश ज़रूर कर लें। तो यहाँ मैं यूज़ करने वाली हूँ इंडियन बेरबेरी फेस स्क्रब इंस्टा ग्लो फेशियल किट डेट एक्सट्रैक्ट एंड पपाया सीड। तो ये मैं यूज़ करने वाली हूँ, सबसे पहले स्क्रबिंग इससे करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। सच में ऐसा लग रहा है, पता है कि पपाया जैसे ही लग रहा है, ये तो स्मेल इसकी वैसी ही आ रही है। ये अमाउंट ले लिया है, ये मुझे लग रहा है ज़्यादा ही आ गया है, लेकिन चलो मैंने ले लिया है तो अब क्या कर सकते हैं। तो स्क्रब हम ऐसे करेंगे, थोड़ा अपनी स्किन को आप वेट जरूर कर लें, ऐसे डायरेक्ट ड्राई स्किन पे ना यूज़ करें, हमेशा अपवर्ड फेशियल ही करें, कभी ऐसे नीचे की तरफ नहीं करना चाहिए। इस तरीके से ऊपर की तरफ ही करें, आई एरिया पे भी स्क्रबिंग कर लें, पर बहुत ही प्यार से करें। यहाँ पे बिल्कुल भी हार्श ना तरह से ना करें, एकदम जल्दीबाजी ना करें, नोज एरिया पे भी कर ले। स्क्रब को कभी भी तेज हाथों से ना करें, बिल्कुल भी इसमें जोर देने की ज़रूरत नहीं है स्किन पे। और आई एरिया पे तो खास करके आपको ये ध्यान देना कि बहुत तेज हाथों से, बहुत एकदम तेज से नहीं करना है, कभी भी नहीं तेज एकदम हाथ करना है, एकदम प्यार से, स्लो जेंटली एकदम प्यार से आपको इसे रब करना है, बिल्कुल भी तेज से नहीं करना है। और ओवरऑल फेशियल आपको 45 मिनट का ही करना है, ज़्यादा भी थोड़ा कर सकते हैं, ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं। फ्रेंड्स, हमें यहाँ क्या करना है, अपने फेस को अच्छे से वेट वाइप से पोंछ लेना है, या फिर इस तरह से आप रुमाल से भी पोंछ सकते हैं अपने फेस को। उसके बाद हमें जेल लेना है। अब इस जेल को हमें अपने फेस पे अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, आप हमेशा कोशिश करो कि जब भी आप फेशियल करो तो एकदम रिलैक्स होके करो, तभी आपको फेशियल का मज़ा दोगुना आएगा। ये समझ लो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है अगर फेशियल आप रिलैक्स होके करवाओगे तो। फेशियल होता ही फ्रेंड्स इसलिए कि ताकि आप अपने आप को रिलैक्स कर सकें उस टाइम पे। इसे हम ऐसे ही लगा रहने देंगे, इसे हमें ना धोना है ना पोंछना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि ऑटोमेटिक ये अंदर सोख जाएगा। फिर उसके बाद में हमें अपनी नेक्स्ट जो थर्ड क्रीम है, जो थर्ड है उसकी तरफ बढ़ना है। स्निग्धा फेस क्रीम विथ वाइल्ड टर्मरिक, ये है वो। तो दोस्तों, इस क्रीम को भी मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। क्रीम को देखो अच्छी तरीके से मैंने लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे भी हम 10 मिनट तक ऊपर नीचे इस तरह से सर्कुलर मोशन में इस तरह से घुमाएंगे ऐसे। ये बहुत ही सॉफ्ट क्रीमी सी क्रीम है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है यार ये,
जैसे कभी कभी आप प्राइमर लगाते हैं तो एकदम नहीं एकदम सॉफ्ट सी लगती है, बिल्कुल वैसा लग रहा है। आप देख रहे होंगे कितना क्रीमी क्रीमी सा हो गया है मेरी स्किन पे, एकदम जैसे जम सा गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे भी थोड़ा वेट कर लेंगे क्योंकि काफ़ी ड्राई ड्राई सा लग रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है। ये है इंस्टा ग्लो पैक, इंस्टा ग्लो फेशियल किट विथ सैंडलवुड एंड हेजलनट, और इसमें हम यूज़ करेंगे ये स्किन वाइटनिंग सीरम है। इसमें हम कुछ बूंदे डालेंगे, जैसे समझ लो 5-6-7 बूंदे डाल देंगे। आप हमेशा कोशिश करें कि आप हमेशा ऐसी चीज़ें खाएं जिनमें एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन हो, हमेशा ऐसी चीज़ें खाएं और धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन वगैरह ज़रूर लगाएं। करें कि पैक लगाने के बाद 10 मिनट चुप रहें। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेंगे। विटामिन ई की कैप्सूल है, आप इसे खा भी सकते हैं लेकिन वो आप डॉक्टर आपके बोलें तो खाना। और ये जो है ये मैं फेस पे इस्तेमाल करूँगी इसका ऑयल निकाल के। अगर आपकी मेरी तरीके ड्राई स्किन है तो आप विटामिन ई के कैप्सूल ऐसे लिए ऑयल लगा सकते हैं, और अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप विटामिन सी ऑयल ही लगाएं। तो और मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहती हूँ, पता नहीं सभी को नहीं अच्छी लगे हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास एलमंड ऑयल हो प्योर वाला तो आप उसे भी यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। बादाम का जो तेल होता है वो क्या होता है, वो रिजुविनेट करता है हमें, हमारी स्किन को ब्राइट ग्लोइंग बनाता है, रिंकल्स हटा देता है। आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पहले की स्किन और अब की स्किन में तो बहुत चेंजेस आ गए होंगे, आप खुद भी देख सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, देखो नहीं क्या आपकी स्किन एकदम गोरी हो जाएगी। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता जो आपका स्किन का कलर चेंज कर दे, पर ये है थोड़ी ब्राइटनेस आ जाती है क्योंकि डेड स्किन जमा रहती है हमारे स्किन के ऊपर, तो वो छट जाती है, न्यू स्किन आ जाती है, तो वो अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, तो फेशियल करते रहना चाहिए। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा हो, आपको कुछ लगा हो कि आप कुछ सीखें इस वीडियो से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर, और कमेंट करके ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि मेरा फेशियल आपको कैसा लगा, तो ताकि मैं आपके लिए और भी फेशियल आगे लाती रहूँगी। चलिए थैंक यू, बाय बाय।